नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट यहां पर कल पेश किया और इस बजट से उम्मीदें भी बहुत सारी थी, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कुछ मानते हैं, हमारे खास मेहमान क्या कुछ मानते हैं, इससे आपका रुख करवा देते हैं। यहाँ पर मेरे साथ राजीव तलवार हैं, सीईओ हैं डीएलएफ के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तलवार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं। सर, वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट एक ब्लूप्रिंट है इकोनॉमी का ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स एंड हाउ द गवर्नमेंट इज एक्चुअली लुकिंग एट इंडिया एट 100। आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय बजट है। आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट्स ने इसको कैसा रिएक्शन दिया है, बिल्कुल पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। और मैं आपको काफी अफसरों का नाम लूंगा जो कल इंटरव्यू में आए थे, और आपको जरूर उनको सुनना चाहिए। पर मैं पहला जो आपको इंडिकेशन दूंगा वो है डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया का, जिन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट ही ग्रोथ बढ़ाता है। और ये बजट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि सरकारी और राज्य सरकारें जो करेंगी इन्वेस्टमेंट वो करीबन 11 लाख करोड़ है। उससे नौकरियां आएंगी, आपके पीएलआई स्कीम्स 14 सेक्टर में, पीएम की गति शक्ति जो पूरे 7 सेक्टर्स में उसमें निवेश किया गया है और प्रावधान किया गया है। मेरे अंदाजे से महिलाओं की प्रशंसा करनी चाहिए कि मेरे ख्याल ये जो महिला वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारामन, मेरे ख्याल भारत के इतिहास में सबसे बढ़िया वित्त मंत्री कहलाई जाएंगी। क्यों? पहले की 2 साल जो महामारी हुई है, पैंडेमिक हुआ है, उसने इस देश को ले जाना और वित्तीय अवस्था को, आर्थिक अवस्था को ले जाना, एक स्मूथली ले जाना, एक बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों को। आपको मालूम है, आपका भी वही सवाल उठेगा कभी ना कभी कि देखिए कितने गरीबों को नौकरियां चली गई, कितने मिडिल क्लास की नौकरियां चली गई, उनको कठिनाई पहुंची, और तब भी आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन की तरफ जा रहे हैं पहली बारी। आपके जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी रिबाउंड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितने आईपीओस पिछले साल आए हैं, करीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर उनमें निवेश हुआ है और 42 यूनिकॉर्न्स बने हैं। हालांकि आप कह सकती हैं कि देखिए वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन थे, आईटी ड्रिवन थे, पर जैसे कितने क्षेत्र हैं, आप ऑटोमोबाइल देख लीजिए, आप इसमें आईटी में देख लीजिए, आईटीएस में देख लीजिए, निर्यात में देखिए, फार्मास्यूटिकल्स में देखिए ना, टू व्हीलर्स में देखिए, वो सब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और जहां पे बढ़त हुई है। तो मेरे विचार में इस दौरान आर्थिक व्यवस्था को, जैसे कि आई एम श्योर हम लोग सब मानेंगे कि हमारे जो गवर्नर रिजर्व बैंक है उन्होंने भी एक बहुत सराहनीय रोल प्ले किया है, पर दोनों वित्त मंत्री और गवर्नर रिजर्व बैंक प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पे बहुत बढ़िया काम किया है। और ये जो बजट है वो बिल्कुल आपको 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए ले जा रहा है। और जहां तक 25 वर्षों का सवाल है, ये याद रखिएगा कि इसमें 10 ट्रिलियन नहीं, हम लोगों को 20 या 25 ट्रिलियन की तरफ जाना है, और इसी तरीके से वो हासिल हो सकता है। मैं 3 बड़े मुद्दे रखूंगा। एक कंस्ट्रक्शन है, आप उसमें देखिए कि 80 लाख मकानों के लिए प्रावधान किया गया है, 48 हजार करोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ एसईजेड्स को उसके एक्ट अमेंड होगा, तो ये वो भी एक प्रावधान किया गया है। तो जितने भी करीबन 100 बिलियन डॉलर्स विदेशी निवेशकों ने और भारतीय निवेशकों ने और भारतीय कंस्ट्रक्शन जायंट्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने, उन्होंने इतने करीबन 200 मिलियन स्क्वायर फीट बना चुके हैं, और उनका अब यूज करना डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी हस्तीय चीज है, जिसमें आपको 200 उद्योग होते हैं रियल एस्टेट से जुड़े हुए, उनको फायदा पहुंचेगा, एम्प्लॉयमेंट को सबसे बड़ा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इसमें तकनीकी लोग नहीं, इसमें आम लेबर भी यूज होती है ऑल ओवर इंडिया। तो
एक सर बहुत बड़ा आपको एक में दर्शन। रोकना चाहूंगी, आपने आपने पीएम आवास योजना के तहत जो 80 लाख घरों को बनाने की बात है सर, कहा जा रहा है कि 22-23 में इसे कंप्लीट भी कर दिया जाएगा, बट लुकिंग एट द करंट सिनेरियो सर, अभी अभी हम थर्ड वेव से पूरी तरह से बाहर निकले भी नहीं है, ये वायरस बहुत अनसर्टेन है, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि 2-2.5 साल हमारी जिंदगी के इस तरह से हम फंस कर रह जाएंगे एक जगह पर। ये जो 80 लाख घरों का टारगेट है सर, डू यू थिंक दिस इज अ रियलिस्टिक टारगेट एंड गवर्नमेंट विल बी एबल टू अचीव इट एक्चुअली? एक्चुअली अचीव, ये तो एक और टारगेट है। 1 करोड़ 12 लाख घर तैयार हो चुके हैं पिछले 5 सालों में। जो हरदीप सिंह पुरी जो हैं हमारे मंत्री जो हैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के, उनके तहत पिछले 5 वर्षों में 1 करोड़ 12 लाख घर बन चुके हैं, 80 लाख और होंगे। और मैं आपको अंदाजा देना चाहता हूं कि हम लोग ये मानते हैं कि अगर 2050 तक 80 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो झुग्गियों में रहें, झोपड़ों में रहें या अनऑथराइज कॉलोनीज में रहें। सबको एक पक्का मकान मिलना चाहिए, कम से कम 300 स्क्वायर फुट का। और हमें 8 करोड़ मकान चाहिए। 1 करोड़ 12 लाख बन चुके हैं, 80 लाख और बन रहे हैं, वो 2 करोड़ हो गए। तो ये एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है और ये पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फायदा पहुंचाएगी। सिमिलरली इसमें कहा गया है कि आप 400 इसी स्ट्रीम में, एक बिग विजन में, आपने घरों की बात की, कंस्ट्रक्शन की बात की, अब रेल में देखिए, 100 गति शक्ति टर्मिनल्स बनाई जाएंगे, 400 ट्रेन्स बनाई जाएंगी जो आधुनिक होंगी, 25,000 किलोमीटर हाईवेज और बनाए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है। जब अमेरिका भी 1960 के दशक में एक बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया था हाईवेज बनाने का, तो ये पूरा एक दशक लग गया था। और ये भी जो कार्यक्रम है वो बढ़ता ही चला जाएगा। आपने देखा है कि हर जगह अब जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, हर राज्य में बन रहे हैं, सड़कें अच्छी हो रही हैं, आपकी व्हीकल्स अच्छी हो रही हैं, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर डाला जा रहा है। और ये जरूरी है क्योंकि शहरों में इतना प्रदूषण फैल गया था कि अब हमें चेंज करना है। 20 वर्ष पूर्व हम लोगों ने पेट्रोल डीजल से सीएनजी की तरफ गए थे, और इस वक्त अगले 10 या 15 वर्षों में हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पे जाना पड़ेगा। तो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह है एक विजन। दूसरी विजन है किसानों की। उसमें दो चीजें हैं। एमएसपी पे आपने देखा होगा कि 2,37,000 करोड़ इस वर्ष में वो होगा, जिस एमएसपी पे खरीदी जी जाएगा गेहूं और चावल। उसके उपरांत एक नया मंत्रालय बना पिछली बारी, जिसको जिसमें श्री अमित शाह को मंत्री बनाया गया, कोऑपरेटिव्स का। मैं और आप जानते हैं कि 1960 या 70 के दशक में डॉक्टर कुरियन ने एक अमूल बनाया था, कोऑपरेटिव मिल्क के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए। और इस वक्त भारत 50 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। तो जी हम मेरी आशा है कि जो जो लॉज बने थे, फार्म लॉज, वो मेरे ख्याल सबसे बढ़िया रिफॉर्म थे, पर देखते हुए सरकार ने वापस लिए। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, इसमें 9,000 करोड़ इस बारी प्रावधान किया गया है। और जो इन कोऑपरेटिव्स हैं, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, वही एक राहत का रास्ता है छोटे किसानों के लिए। आपको मालूम है कि भारतवर्ष में 2.5 एकड़ से कम अधिकतर होल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स नहीं हैं। तो वहां पे भी अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू होता है, जैसे अमूल की चीजें हर दुकान में बिकती हैं, इसी तरह किसान को भी अगर अच्छी कीमत मिले तो वो पल्सेस में भी जाएंगे, कैश क्रॉप्स में भी जाएंगे, और उनको गेहूं और चावल जहां तक है उसके लिए एमएसपी का प्रावधान किया गया है। तीसरी चीज है औद्योगिक, हमारा औद्योगिक ढांचा, इंडस्ट्रियल ये सिस्टम। एमएसएमई के लिए इस बारी 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि उनको 2 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, और ईसीएलजीएस में भी ये हिस्सेदार होंगे। यही एक तरीका है कि अगर एमएसएमई को, जो कि 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर उनको टेक्नोलॉजी इंडक्ट करनी है, इंजीनियरिंग इंडक्ट करनी है,
और उनको एक फॉर्मल सेक्टर में लाना है फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, तो ऐसे निवेश करने पड़ेंगे, प्रावधान करने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल सरकार ने भी और वित्त मंत्रालय ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। ये तीन जो बिग विजन्स हैं, उसके अलावा आप कितनी चीजें गिनना चाहेंगी कि डेटा सेंटर्स के लिए किया गया है, उसके बाद मेक इन इंडिया के लिए 62 लाख नौकरियां होंगी। अगर ये सब उद्योग जो हैं वो सफल होते हैं तो नौकरियां वहीं लगेंगी। राजीव सर, एक एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सब्सिडी का टारगेट है उसे पिछले साल के मुकाबले कम रखा गया है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब फ्रीबीज जो है उसका जमाना चला गया। सरकार बहुत क्लियर थी कि भले ही 5 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, लेकिन उसके बावजूद जिस जिस दिशा में, जिस ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रही थी, उसी दिशा में ये बजट भी पेश किया गया। आप क्या देखते हैं सर, इसे आप कैसे देखते हैं कि अब मेहनत सरकार भी करेगी, मेहनत आम आदमी को भी करनी पड़ेगी और तभी मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। फ्रीबीज का जमाना गया, फ्रीबीज का जमाना गया जाना चाहिए, सब्सिडीज का जमाना जाना चाहिए, पर प्रावधान कम नहीं किए गए। अगर गरीबों को नौकरियां नहीं मिलती हैं तो 78,000 करोड़ अभी भी मनरेगा के लिए रखा गया है। जिस तरह पिछले वर्ष का प्रावधान था 78,000 करोड़, और उसको बढ़ाया गया था कि अगर फिर से एक वेव हो जाती है या कोई कठिनाई आती है तो इस प्रावधान को भी बढ़ा सकते हैं। ये कल हमारे वित्त सचिव जो हैं श्री सोमनाथन, उन्होंने बयान दिया है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि जितने आपके दर्शक हैं, कल बहुत बढ़िया इंटरेक्शन हुआ है, बेशक नीति आयोग के उप चेयरमैन हो डॉक्टर राजीव कुमार, उनके सीईओ हो नीति आयोग के अमिताभ कांत, वित्त सचिव हैं सोमनाथन, उनके साथ हमारे दीपम के सचिव थे तुहिन कांता पांडे, एंड सीबीडीटी इनकम टैक्स के चेयरमैन, और जीएसटी और कस्टम्स और एक्साइज के चेयरमैन विवेक जोहरी और मोहपात्रा जी जो इनकम टैक्स के चेयरमैन हैं, उनकी इंटरव्यू जरूर देखिए, आपको बहुत विश्वास होगा कि ये जो बजट है वो एक सही दिशा में जा रहा है और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये जो काम किया गया है वो बिल्कुल सही किया जा रहा है। कुल मिलाकर राजीव सर, अब इस बजट में ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इस बजट को मिस सीतारमन ने यहाँ पर पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय मेरे पास कम है इस शो के इस हिस्से में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेड इन इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।